हेलो बच्चों, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन को पढ़ चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो लेके आया हूँ। प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो का आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको यहाँ पर दी हुई है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है। तो मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि शरीर को सबसे अधिक जो एनर्जी देता है वो देता है फैट, लेकिन सबसे पहले एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन में हमसे सबसे अधिक ऊर्जा देने वाले के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फैट, कि जो शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा देता है वो है फैट या वसा। चलिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि शरीर को सबसे पहले एनर्जी कौन देता है। तो हम देख चुके हैं पिछले स्लाइड में कि शरीर को सबसे पहले एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? वसा। तो यहां से हमें पूछा शरीर को सबसे पहले कौन ऊर्जा देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। धूप का विटामिन किसे कहते हैं? व्हाट इज सनशाइन विटामिन? तो धूप का विटामिन हम बोलते हैं विटामिन डी को। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन बोला जाता है विटामिन डी को। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है कि पानी में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो हमने जब विटामिन का क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें देखा था कि विटामिन दो तरह के होते हैं बेस्ड ऑन सोल्युबिलिटी। तो वाटर सोल्यूबल होते हैं, एक होते हैं फैट सोल्यूबल, जल में विलेय और वसा में विलेय। तो जल में विलेय कौन कौन से थे? बी और सी। बाकी रिमेनिंग कैसे थे? फैट सोल्यूबल। तो यहां से हमसे पूछा गया है कि पानी में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं या वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो आंसर क्या क्या हो जाएगा? विटामिन बी और विटामिन सी कैसे होते हैं? पानी में विलेय। चलिए, शरीर द्रव्यमान सूचकांक का मात्रक क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था कि बॉडी मास इंडेक्स में से एक ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं? किसी भी व्यक्ति का वेट अपॉन उसकी हाइट का स्क्वायर। अब वेट हम लेते हैं केजी में और हाइट लेते हैं मीटर में, तो उसका यूनिट क्या हो जाता है? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? तो विटामिन ई का केमिकल नाम होता है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। इसकी आपको मैंने आप ट्रिक बताई थी, रथ पर एक टॉफी। विटामिन ए का नाम क्या था? रेटिनोल। विटामिन सी का नाम क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम क्या था? कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का नाम क्या था? टोकोफेरोल। और विटामिन के का नाम क्या था? फिलोक्विनोन। तो इसकी ट्रिक थी रथ पर एक ट्रॉफी, जहां पर का कोई भी मतलब नहीं था। चलिए, नेक्स्ट कि किलोसिस बीमारी क्या होती है? किलोसिस बीमारी क्या होती है? तो जो किलोसिस बीमारी होती है उसमें हमारे होंट होते हैं वो फट जाते हैं, क्रेक हो जाते हैं क्या? लिप्स। तो होंठ फट जाते हैं। अब ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन बी टू की कमी से। विटामिन बी टू का दूसरा नाम क्या है? विटामिन जी। विटामिन बी टू का दूसरा नाम क्या है? विटामिन जी। अब विटामिन बी टू या विटामिन जी का केमिकल नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। तो क्वेश्चन आए कि किलोसिस बीमारी किसकी कमी से होती है? तो राइबोफ्लेविन की कमी से हो, या विटामिन बी टू की कमी से हो, या विटामिन जी की कमी से हो, बात एक ही है। एक और बीमारी होती है इस विटामिन की कमी से, वो कौन सी थी? ग्लोसाइटिस। उसमें क्या होता है? मुंह में छाले हो जाते हैं, ठीक है, या जीभ में सूजन आ जाती है, तो उसे बोलते हैं ग्लोसाइटिस। लेकिन यहाँ पे पूछा किलोसिस बीमारी क्या होती है, तो किलोसिस बीमारी में होंठ फट जाते हैं, जो कि विटामिन बी टू की कमी से होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में बनने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? तो मानव शरीर में हमने देखा था एक तो विटामिन डी बनता है और एक बनता है विटामिन के। तो मानव शरीर में दो ही विटामिन बनते हैं, विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी का नाम क्या था? सनशाइन विटामिन।
विटामिन के को क्या बोलते हैं, एंटी हेमरेजिक विटामिन। अब विटामिन के क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन किसके प्रोटीन थे, थक्का या क्लोट के प्रोटीन होते हैं, तो ये उनको संश्लेषित करता है, उनका सिंथेसाइजेशन करता है, कौन, विटामिन के। किस किस का करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, तो ये खून के थक्के जमाने में सहायता करता है। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा कि मानव शरीर में बनने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, मानव शरीर में बनने वाले विटामिन, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी और विटामिन के, ये हमारे मानव शरीर में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट, बांझ रोधी विटामिन कौन सा है, एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये बताया था कि जो विटामिन ई है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, इनफर्टिलिटी रोग हो जाता है, तो जब एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन कौन सा हो जाएगा, विटामिन ई, क्योंकि विटामिन ई की कमी से ही तो क्या होता है, बांझ, बांझपन या नपुंसकता या इनफर्टिलिटी आती है। तो एंटी मतलब उसको रोकता है, एंटी का मतलब क्या हो गया, उल्टा, तो नपुंसकता को रोक रहा है, बांझपन को रोक रहा है, इनफर्टिलिटी को रोक रहा है, तो वो कौन सा रोकेगा, विटामिन ई। चलिए नेक्स्ट, प्रोटीन में कौन से तत्व आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं। हमने देखा था, प्रोटीन पढ़ा था, जबकि प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि इसमें एन नहीं है। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखिए जरा एक बार, इसने पूछा है क्वेश्चन में कि आवश्यक रूप से उपस्थित होने चाहिए, तो आवश्यक रूप से हमने बताया था आपको, एक कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है और एक नाइट्रोजन होता है, लेकिन इसके अलावा पी कभी कभी हो सकता है और एस कभी कभी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि आवश्यक रूप से कौन सा होगा, तो आंसर जाएगा हमारा डी, कि कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तो हमेशा हर प्रोटीन में होते हैं, तो इसका आंसर जाएगा डी, सी एच ओ और एन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से असत्य का चयन करें, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, असत्य, फॉल्स का हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले आप इस पे हाईलाइट कर लीजिए कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, असत्य का। अब ध्यान दीजिए कि संतृप्त वसीय अम्लों में एकल बंध पाया जाता है, वसीय अम्ल हमने दो तरह के पढ़े थे, एक सेचुरेटेड, एक अनसेचुरेटेड, तो सेचुरेटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, संतृप्त, अनसेचुरेटेड को बोलते हैं असंतृप्त। इसकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ट्रिपल एस, याद है आपको कि मैंने आपको ट्रिपल एस की ट्रिक बताई थी कि सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, सेचुरेटेड में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, तो संतृप्त वसीय अम्लों में एकल बंध पाया जाता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, जबकि यहाँ पे पूछ रहा है हमसे फॉल्स का। तो अब क्वेश्चन है नेक्स्ट कि असंतृप्त वसीय अम्लों में एकल बंध नहीं पाया जाता है, बिल्कुल सही है, असंतृप्त में कैसे पाए जाते हैं, द्विबंध या त्रिबंध। अब उसके बाद आता है, खिलाड़ी खेलने से पहले अधिक ऊर्जा हेतु विटामिन लेते हैं, अधिक ऊर्जा हेतु विटामिन लेते हैं, ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि विटामिन एनर्जी पहली बात देता ही नहीं है, विटामिन किसी को भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, और खिलाड़ी खेलने से पहले क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि खिलाड़ी खेलने से पहले अधिक ऊर्जा हेतु विटामिन लेते हैं, खिलाड़ी खेलने से पहले क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो इसने पूछा था असत्य का चयन करें, तो आंसर क्या हो जाएगा कि खिलाड़ी खेलने से पहले अधिक ऊर्जा हेतु विटामिन लेते हैं, ये गलत है, होना क्या चाहिए था कि कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर द्वारा अपने भोजन में अधिक प्रोटीन की सलाह दी जाती है, सही बात है, क्यों, क्योंकि उनमें एक जो बच्चा पल रहा है उसका शारीरिक परिपक्वन होना होता है, इसलिए उस महिला को जो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, उसको डॉक्टर बोलता है कि आप अधिक प्रोटीन लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक रोग किससे संबंधित है, तो नाभिक रोग किससे संबंधित है, हमने देखा था कि जो नाभिक रोग होता है, हमने देखा था कि नाभिक रोग को दूसरा नाम क्या जाना जाता है, स्कर्वी रोग, क्लियर है, तो नाभिक रोग जो होता है, स्कर्वी रोग जो होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेविगेबल डिजीज, वो होता है विटामिन सी की कमी से, तो किससे संबंधित हो जाएगा, विटामिन सी से। अब विटामिन सी की बात आई है तो हम थोड़ी बात कर लेते हैं, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी या नाभिक रोग।
चलिए नेक्स्ट, बर्निंग फूड डिजीज किस रोग की विटामिन की कमी से होता है? तो बर्निंग फूड डिजीज हमने देखा था विटामिन बी फाइव की कमी से होता है, जिसमें पैरों में जलन जकड़न आदि का महसूस होता है, और इसका केमिकल नेम क्या था विटामिन बी फाइव का? पेंटोथेनिक एसिड। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो प्रोटीन के विघटन से कौन सी गैस का निर्माण होता है, ये वाला क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन के विघटन से कौन सी गैस का निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन है अमोनिया। अब अमोनिया क्या होता है, तो अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। मेथेन क्या होता है, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है H2S। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्षण। तो देखते हैं प्रोटीन के विघटन से कौन सी गैस का निर्माण होता है। तो मैंने आपको बताया था प्रोटीन के विघटन से अमोनिया का भी निर्माण होता है, मीथेन का भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, कि अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और उपरोक्त सभी चारों गैस का इससे निर्माण होता है। अब बात आती है कि एक और मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई थी कि अमोनिया से कैसी गंध आती है। तो अमोनिया से जो गंध आती थी वो आती थी वॉशरूम जैसी, और हाइड्रोजन सल्फाइड से कैसी गंदी आती थी, रोटन एक्स, सड़े अंडे जैसी। तो सड़े अंडे जैसी तो आती है हाइड्रोजन सल्फाइड से, और वॉशरूम वाली आती है अमोनिया से। तो अमोनिया की गंध होती है शौचालय की गंध जैसी, और हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध होती है सड़े अंडे जैसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मांसपेशियों के निर्माण में किन प्रोटीन का योगदान है? तो मांसपेशियों के निर्माण में हमने मांसपेशी के अंदर जो प्रोटीन पड़े थे उसमें हमने देखा था जो एक्टिन है वो भी पाया जाता है, मायोसिन है जो भी पाया जाता है, और ट्रोपोनिन भी पाया जाता है। एक्टिन भी पाया जाता है, मायोसिन भी पाया जाता है, और ट्रोपोनिन भी पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, कि मांसपेशियों के निर्माण में किन प्रोटीनों का योगदान होता है, ATM। इसकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ATM, एक्टिन, ट्रोपोनिन और मायोसिन। तो मांसपेशियों में ये तीनों तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जैविक मान होता है। तो सर्वाधिक जैविक मान किसका होता है, अंडा का। तो ये तो आपको याद रखना ही है, इसका होता है 9200। तो सर्वाधिक बायोलॉजिकल वैल्यू होती है अंडे की। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताया था। अब पढ़ाते समय जो मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें H और O का रेशो मैंने आपको याद करवाया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वो कितना बताया था मैंने आपको, 2:1। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है बच्चों, ये यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात। तो हमने जो पढ़ा था उसमें देखा था हाइड्रोजन पहले था, ऑक्सीजन बाद में था, उसका रेशो था 2:1। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो पूछ रहा है, तो एक इधर आ जाएगा, दो इधर आ जाएगा, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 1:2। तो इसका आंसर है बी, कि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है 1:2। चलिए, कौन से विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है? तो हमने देखा था विटामिन जो B3 होता है, विटामिन B3, उसकी कमी से कौन सा रोग होता था, पेलेग्रा। पेलेग्रा को हम कौन सा डिजीज भी बोलते हैं, 4D डिजीज। इसमें क्या क्या होता है, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया और डेथ। लेकिन अब इसने ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, उनके केमिकल नेम दिए, तो आपको विटामिन B3 का केमिकल नेम पता होना चाहिए। तो विटामिन B3 का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, नियासिन। तो इसका आंसर हो जाएगा नियासिन। तो हमारा आंसर हुआ कि नियासिन या विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। मैंने आपको बी कॉम्प्लेक्स याद रखने की ट्रिक बताई थी, थोड़ा न्यू पेन पर बसा, तो आप उसकी मदद से याद कर सकते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मिलने वाला प्रोटीन जो कि कोलेजन होता है। अब जितनी जानकारी हमें पता थी वो तो उसने ही दे दी कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है प्रोटीन, वो है कोलेजन। अब वो पूछ रहा है कि वो किस में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए,
स्किन और बोन्स जो होती है, त्वचा या अस्थि जो होती है, उसमें कोलेजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया त्वचा या अस्थि। गुणसूत्र में कौन सा पाया जाता है? हिस्टोन। गुणसूत्र में कौन सा पाया जाता है? हिस्टोन, HISTONE। तो गुणसूत्र में हिस्टोन पाया जाता है। लेकिन बाल, नाखून, खुर और सींग, इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन। ये भी आपको याद रखना है। केराटिन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे कि मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन, वो है कोलेजन। तो वो किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा या अस्थि। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से असत्य का चयन करें। तो जब भी असत्य या सत्य का क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आप हाईलाइट कर लीजिए कि आपको क्या बताना है। असत्य का चयन करें, चूज फॉल्स। ध्यान दीजिए, विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं, विटामिन को रक्षात्मक खाद्य भी बोलते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। वसा का ऊष्मामान सर्वाधिक होता है। ऊष्मामान से आप इतना सा समझिए कि जो हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमें सर्वाधिक ऊर्जा वसा प्रोवाइड करती है, लेकिन सबसे पहले ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन ऊर्जा के स्रोत होते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का सबसे प्रचुर स्रोत दालें होती है। ये गलत है कि प्रोटीन का जो सबसे प्रचुर स्रोत होता है, वो मैंने आपको क्या बताया था? ब्लू, ग्रीन और एल्गी, नील हरित शैवाल प्रोटीन का सबसे प्रचुर स्रोत होता है। तो हमसे क्या पूछा था यहाँ पे? असत्य। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोटीन का सबसे प्रचुर स्रोत दालें होती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का जो रिचेस्ट सोर्स होता है, वो होता है स्पाइरुलिना, जिसको हम दूसरा नाम से जानते हैं, नील हरित शैवाल, या इंग्लिश में क्या बोले, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।